गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, ओलिव मेडिकल सेंटर में काम कर रहा हूँ। ओट्स बहुत अच्छे अनाज हैं और वोल ग्रेन्स कैटेगरी में आते हैं, जैसे साबुत अनाज के कैटेगरी में आते हैं। उसमें बीटा ग्लूकान बोल के एक डाइट्री फाइबर होती है, उसकी वजह से आपका, मैंने जो पहले ही बोला है, डाइट्री फाइबर ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे ही बढ़ाती है। क्यों? मतलब उसका पेट का या फिर अंतड़ियों का चलने की जो तेज़ी है उसको कम कर देती है और उसका डाइजेशन को भी कम कर देती है और उसमें से ग्लूकोज को निकलने की शक्ति भी कम होती है। उसकी वजह से ओट्स अच्छे ब्रेकफास्ट हैं। ओट मील बहुत लोग, बहुत न्यूट्रिशनिस्ट प्रेफर करते हैं, और जिसको पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज या खाना खाने के बाद का ब्लड ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए ओट मील मिल्क के साथ लेंगे तो बहुत बेहतरीन मील है। वैसे ले सकते हैं आप, मसाला ओट्स भी बना के खा सकते हैं, बट प्रोसेस नहीं करना चाहिए। अनप्रोसेस्ड ओट्स बेहतरीन है। प्रोसेस्ड ओट्स मतलब अगर उसको आटा बनाएंगे तो उसमें से भी ग्लूकोज ज़्यादा निकल जाता है, तो आटा बना के खाने में कोई भी आपको उसका गेन्स नहीं मिलेंगे। सो आपको डेफिनेटली अनप्रोसेस्ड या फिर अनरिफाइंड, इवन नेकेड ओट्स जो बोलते हैं, बिना छिलका निकाला हुए ओट्स, उसको खा लेंगे तो बेहतर है। अच्छे हैं ओट्स, डेफिनेटली खाना चाहिए। थैंक यू।